भारतीय रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण फैसला खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर होंगे। वहीं 2000 के सभी नोट को वापस लिया जाएंगे, अतः 2000 के नोट जारी नहीं किए जाएंगे। इनकी छपाई 2018 में बंद हो चुकी थी, इसलिए 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे। क्योंकि लोग उच्च मूल्य के नोटों की जमाखोरी कर रहे हैं, इसलिए यह फैसला बिल्कुल सही है। जहां तक आम जनता का सवाल है कि आम जनता को इसके क्या परेशानी हो सकती है, तो इसमें आम जनता को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एटीएम में भी ज्यादातर 500, 200 या 100 का नोट निकलता है। इसलिए 2000 के नोट बंद करने का फैसला बिल्कुल सही है और इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं है। मैं सरकार के इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नहीं, सरकार ने तो पिछली बार भी नोटों के बंद लगाए थे, लेकिन उन्होंने अचानक से बंद कर दिया, जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने पहले से ही बता के ये बंद करने का काम किया है, जो कि ठीक है। एक तरह से ज़्यादातर काले धन पे ही उन्होंने फोकस किया, ताकि उसको और रोका जाए, जैसे पिछली बार किया था। तो लेकिन इस बार पहले ही बता दिया, वो अच्छा किया, ताकि लोगों को उतनी दिक्कतें नहीं होंगी। अचानक से बंद में अभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बदलवा बैंक में जाके हम बदलवा सकते हैं। नोटबंदी से ज़्यादा काले धन रोके जा सके दी है कि हाँ नोट बंद हो रहा है, इसलिए लोगों के लिए राहत है। लोग अब सतर्क हो जाएंगे, जो भी पैसे रखे होंगे घर में, औरतें अपना इधर उधर जो पैसा रखी होंगी उसको सुरक्षित कर लेंगी। तो क्या ये है? तो क्या RBI का फैसला सही है? अब फैसला लेना तो उनके उसमें है कि वो क्या फैसला लेते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर फैसला लिए हैं और पहले से सूचना दे दिए हैं तो अच्छी बात हो सकता है कि भाई लोग रखे हो अपने पैसे को बैंक में जमा करें, कुछ खुलासा हो सकता है। लेकिन अब इसमें क्या है ये तो नहीं बताया, अब इसको कैसे बताया जा सकता है।